अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में। इंशाल्लाह हम मिलकर सिलेबस को बड़ा एंजॉय करेंगे। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज़ फुल ऑफ लॉजिक्स। अगर आपकी लॉजिक्स अच्छी हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत पास होने से नहीं रोक सकते। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से सीख लिए तो आप एग्जामिनर को कहेंगे कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है क्या ये? बेसिकली दिस इज़ दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब हम डेफिनेशंस में जाएंगे तो जाके सीखेंगे पैसे की अकाउंटिंग, फाइनेंस, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे पैसा गया, दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग। आपके एग्जामिनर ने अकाउंटिंग को बेसिकली 5 ग्रेड्स पे चेंज किया, 5 ग्रेड्स में डिवाइड किया। उनमें से नंबर 1 पे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, नंबर 2 पे ये एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर 3 पे ये वाला एरिया यानी ये वाले 2, और नंबर 4 पे है वी हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 4 हिस्सों में आपके एग्जामिनर ने आपके सिलेबस को डिवाइड किया। क्योंकि अभी आपका पहला लेक्चर है, आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं पता, ब्रीफली बता दूं, बेसिक्स का मतलब क्या है? अकाउंटिंग के बुनियादी असूल। इस गेम को, इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं, इसकी जो बुनियाद है बेसिकली, उसके ऊपर एग्जामिनर ने 20-30 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। इसमें कुछ थीरी है यानी कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एंड ऑफ द सिलेबस में। कुछ साथ साथ चलती रहेंगी, कुछ एंड ऑफ द सिलेबस में। दूसरा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये इंशाल्लाह थोड़े से हम इसमें अकाउंटिंग में मैच्योर होंगे तो हम इक्वेशन सीख लेंगे। इसके बाद ये डबल एंट्री सिस्टम, यहाँ पे प्राइमरी एंट्री में समटाइम सवाल आता है, ठीक है जी। और उसके बाद लेजर ट्रायल जो, तो हमने इतने बनाने हैं कि इसकी प्रैक्टिस रहेगी, जिन पे स्टार लगाए आमतौर पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी के तकरीबन 10 मार्क्स हैं, 10 नंबर का सवाल मेरे ख्याल में थ्योरी में आएगा, जो कि उसकी रूटीन है, क्वेश्चन में देता है वो 10 मार्क्स पेपर में, अबाउट 10 मार्क्स अकाउंटिंग इक्वेशन या प्राइमरी। अब अगर 10 नंबर उसने यहाँ पर दे दिए तो बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन है, या अकाउंटिंग इक्वेशन देता है या प्राइमरी बुक्स दे देता है, ठीक है, या कभी कभी वो ट्रायल बैलेंस या लेजर का कोई छोटा सा पार्ट बना के देता है। इसके बाद है जी एडजस्टमेंट्स। अब ये देखिए, पहली 3 एडजस्टमेंट्स जो हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स एंड करेक्शन ऑफ एरर, इसके 20-30 मार्क्स हैं, ठीक है। आमतौर पर वो 15 मार्क्स का एक पार्ट देता है, 10-15 नंबर की एक एडजस्टमेंट का सवाल। तो इन 3 एरियाज़ में से डायरेक्टली 1 या 2 सवाल इंडिपेंडेंट आते हैं, बाकी वो क्या करता है, वो जो बाकी मार्क्स पकते हैं, एक सवाल इनमें से देना है उसने 10-15 नंबर का, बाकी जो 15-20 नंबर है उसके पास, वो क्या करता है किसी दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज करके दे देता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मर्ज करके दे देगा, ठीक है। तो 20-30 मार्क्स इन 3 एडजस्टमेंट्स, यानी ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं बेसिकली हमारी बुक के। इसके बाद ये जो 2 एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें से 20-30 मार्क्स आएंगे। इसका भी मतलब ये है कि यहाँ पे वो 2 सवाल दे सकता है, एक तो उसको देना चाहिए, क्यों देगा, बल्कि 20-30 मार्क्स हैं तो यहाँ पे भी हमें एक तो सवाल लाजमी आएगा, दोनों भी दिए जा सकते हैं, वी नीड टू बी रेडी। उसके बाद है जी चौथा पार्ट हमारा, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है, पूरे साल में क्या कमाया, क्या बचाया, क्या खर्च किया। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 तरह की, एक है सोल प्रोप्राइटर के लिए और एक है पार्टनरशिप के लिए। हु इज़ सोल प्रोप्राइटर? एक ही बंदा बेचारा अकेला अगर कारोबार कर रहा है तो उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा दोस्त या लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं तो उनको कहते हैं पार्टनर्स। तो प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, इनके लिए एक ही सवाल आ सकता है 20-25 नंबर का, सोल प्रोप्राइटर पे या पार्टनरशिप पे, या यहाँ पे 2 सवाल दे सकता है, एक 20 नंबर का सवाल दे सकता है सोल प्रोप्राइटर पे, जो कि आमतौर पर आता था, हमेशा आता है पेपर में, और 10 नंबर का पार्टनरशिप पे दे सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो छोड़ा जा सके। अगर मेजर ग्रिड देखी जाए तो दीज आर दी एरियाज़ जो मैंने ग्रीन किए हैं, ये आसान एरियाज़ है, यहाँ पे हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये 5 चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 5ों चैप्टर्स इसमें जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप शुरू होंगे, बेसिक से शुरू होंगे, एडजस्टमेंट्स पे आएंगे और देन इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचेंगे, ठीक है।